बिहार विधानसभा चुनाव का तीनों चरण का मतदान अब खत्म हो चुका है। बिहार में तीन चरणों का मतदान होना था विधानसभा चुनाव को लेकर, जो कि अब खत्म हो गया है। बिहार में पहले चरण का मतदान 28 अक्टूबर को संपन्न हुआ, दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर और तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को खत्म हुआ। उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे जो हैं वो 10 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। लेकिन इससे पूर्व एग्जिट पोल आया है और एग्जिट पोल ने कांग्रेस को इतना ज़्यादा उत्साहित कर दिया है कि पार्टी नतीजों से पहले ही सरकार बनाने की तैयारी में जुट गई है। जी आपको बता दें कि कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा के मुताबिक अरसे बाद कांग्रेस और आरजेडी पर लोगों ने विश्वास जताया है, ऐसे में कांग्रेस अपने सारे वादे पूरे करेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा ने मीडिया से बातचीत की है एग्जिट पोल आने के बाद। अब देखिए किस तरह कांग्रेस के विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, ये लोगों का विश्वास और भरोसा कांग्रेस राजद गठबंधन पे बहुत दिनों के बाद बिहार में, और मेरा मानना है इसकी बड़ी वजह है कि बिहार में भाजपा जदयू सरकार ने जो लोगों को निराश किया, आम जनता को वो चीजें अपने आसपास नहीं दिखाई देती हैं जो टीवी और अखबार वो सुनते रहते हैं। बिहार में इतना विकास हुआ, रोजगार नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य सेवा चरमरा गई है, इन तमाम असंतोष को लोगों ने अपने वोट के द्वारा प्रकट किया। और स्वाभाविक है कि राजद कांग्रेस गठबंधन हमारे वामपंथी साथी उसमें है, तो एक भरोसा जो दिखाया है हमारे ऊपर, या हम भी उनको आश्वस्त करते हैं कि हमारी सरकार उन वादों को जो हमने अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है उसका इम्प्लीमेंट करें और लोगों को काम करके दें। और जो नीतीश जी और मोदी, आप इनर कन्फ्लिक्ट देख लीजिए, आज ही अश्विनी चौबे जी का बयान आ गया कि नीतीश कुमार जी को दिल्ली जाना चाहिए, किसी और को सीएम बनाना चाहिए। एक तरफ खुद प्रधानमंत्री कहते हैं कि नहीं, नीतीश जी मुख्यमंत्री होंगे, और उनके ही कैबिनेट के मंत्री कहते नहीं, नीतीश जी को दिल्ली बुला लेना चाहिए। तो यह भारतीय जनता पार्टी ने हार को कैसे स्वीकार किया है, ये उसको भी इकट्ठा किया। राज्य के लोगों को धन्यवाद देते हैं, उन्होंने हमारे गठबंधन का भरोसा दिखाया है, तो कांग्रेस की भूमिका बढ़ेगी और हम सरकार में कोशिश करेंगे कि हम अच्छे अच्छे कार्यों को इम्प्लीमेंट कराएं और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अच्छी और बेहतर सरकार बनेगा।